बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हैप्पी कुकिंग से व्यूवर्स बोल रही हूँ। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? आज मैं आप लोगों को एक नए न्यू स्टाइल में बिरयानी बनाना बताऊंगी। व्यूवर्स देखें, मैंने ये 1 किलो गोश्त लिया है मटन का, ये देखें। और मैंने व्यूवर्स देखें, मैंने ये 2 अदर टमाटर इसमें चॉप करके देखें डाले हैं, छोटे छोटे करके। और मैंने इनके छिलके उतारे हैं सारे टमाटर्स के। और व्यूअर्स देखें, ये मैंने कुटा हुआ अदरक लहसुन लिया है 2 खाने के चम्मच, ये देख रहे हैं। और व्यूअर्स देखें, मैंने इसमें ये इमली डाली है, ये देखें। फिर ये लाल करके देखें, मैंने प्याज डाले हैं, ये देखें 1/2 किलो प्याज हैं, 1 किलो है ना चिकन के उसमें। और 2 चम्मच मैंने ये बिरयानी मसाला इसमें डाला हुआ है, ये देख रहे हैं, ये जो बिरयानी कब हो रहा है। इसमें धनिया पाउडर जा रहा है, ये देखें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर देखें जा रहा है। ये कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच जा रहा है। ये मैंने पपीता पीला पीसा है, पपीता डालें और कमाल देखें बिरयानी का, ये देख रहे हैं। एक ये बड़ा वाला चमचा, ये देख रहे हैं चम्मच, ये थोड़ा सा ऊपर है, 1 खाने का चम्मच। ये मैंने ना पपीता इसमें डाला है, पका हुआ पपीता जो हम खाते हैं। ये देखें हरी मिर्चें जा रही हैं। ये आलू 4 अदद आलू डाल रही हूँ। हमारे घर में फिर आलू ज़रूर खाए जाते हैं बिरयानी में। आलू के बगैर बिरयानी नहीं पसंद करते। ये देखें व्यूअर्स, धनिया है ना डंडियों के साथ देखें मैंने लिया है, थोड़ी थोड़ी डंडियाँ, ये देख रहे हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकलता है। ये व्यूअर्स देखें, 1 प्याली के करीब मैंने दही डाला है इसमें। देखें व्यूअर्स, ये 1/2 मैंने पुदीने का वो देखें, पुदीना क्योंकि गड्ढी होती है ना, उसमें से मैंने 1/2 ये डाला है, 1/2 धनिया डाला है। व्यूअर्स ये देखें, ये मेरी मैजिक यखनी है। मैंने मटन की देखें कितनी गाढ़ी है, जैसे आपको पपीता मैंने डाला है ना, ये भी आप ऐसे डाल के देखें कितनी देखें गाढ़ी गाढ़ी है, देख रहे हैं, बिल्कुल वो पतली वाली नहीं है। ये मैंने मटन की यखनी निकाली है, एक ये देखें बड़ा सा कप है जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, ये जा रही है देखें। इतना अच्छा व्यूअर्स ये बिरयानी बनेगी ना। ये छोटी इलायची जा रही है, ये देखें, ये देखें,
ये व्यूवर्स देखें, दो बड़ी इलायची हैं, ये ज़ीरा है, ये देखें बादियान के टूटे हुए फूल हैं, ये देखें फूलों के, साबुत नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐसे भी डाल सकते हैं। दालचीनी भी देखें ऐसे है मेरे पास, मैं डाल रही हूँ टुकड़े टुकड़े, एक बड़ा सा टुकड़ा हो जाएगा समझें, ये देखें क्या ये बिरयानी बनेगी। टेस्टी। अब मैं इसमें एक दो चीज़ें और डाल रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स देखें, एक चम्मच के करीब ये मैं केवड़ा डाल रही हूँ, ये देखें बिरयानी की जान, ये देखें, ये देख रहे हैं, पिसी हुई इलायची ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और ये देखें फूड कलर, ये देखें, ये बड़ा चम्मच है समझें आप, छोटा आधा चम्मच के करीब डाल रही हूँ, ये देखें, और फिर मिला रही हूँ सबको। तो एक घंटे के लिए रख रही हूँ फ्रिज में, ये मैरिनेट हो, फिर आगे आपसे मिलती हूँ, ठीक है। मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है, देखें वही है ना, फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक घंटे के बाद। व्यूअर्स ये एक घंटा हो गया है, ये मेरा मैरिनेट हो गया है, अब मैं चावल बॉयल के लिए रख रही हूँ। व्यूअर्स देखें, ये मैंने जायफल और जावित्री देखें इतनी सी कूट के, ये भी मैं डाल रही हूँ इसमें, ये देख रहे हैं ज़रा सी, ये देखें इस, ये भी बहुत अच्छी, इससे भी खुशबू निकलती है। ये एक घंटा हो गया है, ये रेडी है, अब मैं चावल रख रही हूँ, फिर आगे आपको बताती जाऊँगी मैं क्या क्या कर रही हूँ। व्यूअर्स देखें, ये मैंने चावलों के लिए पानी चढ़ाया है, इसमें मैंने पुदीना डाला है, और दो चम्मच मैंने इसमें खाने के नमक डाला है, और है ना खड़ा मसाला थोड़ा सा डाला है। देखें ये मेरा एक किलो चावल जा रहा है इसमें, ये व्यूअर्स देखें चावल चले गए हैं इसमें, ये देखें। अब मुझे इन चावलों को 50% कुक करना है व्यूअर्स, चावल बॉयल हो जाएं तो मैं आपसे मिलती हूँ। देखें ये मेरे चावल आधे बॉयल हो गए, आधे कच्चे हैं आधे पक्के हैं, अब ये देखें इसके ऊपर जा रहे हैं। अब व्यूअर्स मैं प्याज लाल करके इसमें डालती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। व्यूअर्स देखें ये मेरे प्याज लाल हो गए हैं, ये मैंने डाले हैं इसमें, कुछ पुदीने के पत्ते डाले हैं, इस वजह से मैंने बॉयल में भी बहुत डाले थे और चावलों वैसे भी मैरिनेशन में भी डाले हैं। व्यूअर्स देखें एक अदद लहसुन यूं करके रखें, क्या है ना बिरयानी से एक खुशबू आएगी। देखें नींबू के मैं
गोल गोल नींबू को काट के ये भी डाल रही हूँ। अब रिवर्स मैं इसको ढक्कन लगा के बंद कर रही हूँ। अब मैं इसकी आग जला रही हूँ, मैंने बंद कर दी थी आग इसकी। थोड़ा ऐसे इसको भाप मिल जाए फिर मैं इसको तवे पे रखूँगी। मैं 45 मिनट के बाद मिलती हूँ रिवर्स। ये देखें व्यूअर्स कितने मेरे चावल ये बच गए हैं। इतने तेज़ी से बढ़ने वाले व्यूअर्स ये चावल हैं। मैं चावलों के मामले में बहुत ही मतलब हिसास हूँ। मैं कहती हूँ थोड़े हों मगर अच्छे चावल हों, नॉर्मल में भी और वैसे भी बिरयानी वगैरह में भी। तो ये देखें कितने सारे देखें ये चावल बच गए हैं। देखें फुल पे ये, जैसे मैं हमेशा इतना ही बनाती हूँ 1 किलो में, वो माशाल्लाह ये बड़े हैं चावल। अब मैं इनको धो के लेके आई हूँ। चावलों को थोड़ा नमक था, इसमें पुदीना था, ये मैंने देखें ये पुदीना वगैरह ये हरी चीज़ें ये मैंने इसको निकाली हैं इसमें से। अब व्यूअर्स देखें मैंने इसमें मक्खन डाला है। अब मैं मक्खन में आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है इसमें। और अब मैं 1 कप के करीब व्यूअर्स चीनी डाल रही हूँ इसमें। देखें ये देख रहे हैं व्यूअर्स, देखें मैं ये पिसी हुई इलायची इसमें डाल रही हूँ। ये मेरे पास थोड़ा सा देखें खोपरा पड़ा हुआ है, ये मैं खोपरा इसमें डाल रही हूँ। ये केवड़ा वाटर डाल रही हूँ थोड़ा सा खुशबू के लिए। ये व्यूअर्स देखें फूड कलर डाल रही हूँ। चीनी में मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। आधा छोटा चम्मच मैंने ये फूड कलर डाला है। अब चीनी मेल्ट हो जाए रिवर्स, चीनी मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें ये चावल डाल रही हूँ। देखें ये कलर मैंने इतना रखा हुआ है। अब मैं इसको ढक्कन लगा रही हूँ, थोड़ा सा चूल्हा मैं तेज़ कर रही हूँ, फिर इसको मैं रख रही हूँ दम पे। 20-25 मिनट के लिए फिर आपको दिखाऊंगी दोनों चीज़ें डिश आउट करके, बिरयानी और ज़र्दा। व्यूअर्स देखें ये मेरा ज़र्दा बन के तैयार है। अब कुछ ये मेरे पास बादाम और पिस्ते पड़े थे, मैंने ऐसे काट के छोटे छोटे करके ये भी डाल रही हूँ, थोड़े से पड़े हुए थे। ये देखें ये देख रहे हैं, अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। व्यूअर्स देखें ये मेरी बिरयानी बनके तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें व्यूअर्स वाओ, ये देखें आलू कितना गल गया है, ये देख रहे हैं, देख रहे हैं व्यूअर्स चावल कितने खड़े खड़े हैं। ये देखें बड़े बड़े और खड़े खड़े हैं, देखें ये चावल सारे।
बस व्यूअर्स, किचन इतना छोटा है, आप लोग मेरी वीडियो आगे करें, मैं हर वक्त आपको कुछ नया दिखाने की कोशिश में होती हूँ। तावुन करें तो फिर मैं अपने किचन का कुछ कर सकूँ। मुझे लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन दबा दिया करें। एक बटन ही तो व्यूअर्स दबाना होता है, इससे हमें खुशी होती है कि हम और काम करके दिखाएं, हमारे वीडियो आगे जाती है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे चैनलों को भी आगे बढ़ाएं, उनकी हौसला अफज़ाई करें। हमारे जैसे चैनल वालों को भी, हम भी मेहनत कर रहे हैं, कुछ नया करके आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। अब व्यूअर्स देखें, जो थोड़े से चावल बचे थे उनका ये ज़र्दा देखें। ऐसे नहीं तो दिल वो टूट जाता है। ये देख रहे हैं ज़र्दा, ये देखें, अब घर में जो था वो ज़र्दे में डाला है मैंने। देखें ज़र्दा भी इतना बना है जो दो प्लेटें भर के ये देख रहे हैं व्यूअर्स। अब मैं अपनी वीडियो बंद कर रही हूँ। मुझे लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन दबाएं। जुम्मे का दिन है, अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, अपने बच्चों में खुशियाँ नसीबता फरमाए। आमीन सुमामीन, अल्लाह हाफिज़।